हेलो फ्रेंड, मैं आकाश और आप अपना चैनल देख रहे हैं रॉइनेटअगर। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी दिनों से हम चर्चे में हैं, सभी बैंकर्स, एपीएस और जो डिजिटल मार्केट का काम कर रहे हैं, वो 1 करोड़ विड्रॉवल का TDS के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है और सभी कन्फ्यूजन है। तो इसके बारे में काफ़ी दिन से किसी ने वीडियो नहीं बनाया कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। जो भी इस मार्केट से हैं और APR बैंकिंग और डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ये किसी न किसी के काम आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि धारा 194N है क्या। धारा 194N एक नगद किए गए भुगतान पर लागू किया जाता है, वो डिजिटल पेमेंट हो, बैंकर्स हो, पर्सनल अकाउंट हो, तो उस पर ये काउंट किया जाता है, ये धारा के अंतर्गत आते हैं। और जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सोच लें, क्योंकि इस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की काफी ज्यादा नजर है और ये नजर बनी रहेगी। बचत खाता, सेविंग खाता से आप सालाना 10 लाख रुपए से निकासी ज्यादा ना करें, नहीं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। करेंट अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा निकासी ना करें। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का आप विड्रॉल करते हैं तो उससे आपको 2% TDS देना पड़ेगा। क्या इससे कोई बचने का रास्ता है, कोई सॉल्यूशन है या नहीं, आइए जानते हैं। और जिन्होंने अभी तक करेंट अकाउंट ओपन नहीं किया है वो करेंट अकाउंट ओपन करवा लें। और किस तरह से ओपन होगा, आप बैंक में जाके आप तो बैंकर्स को बोल सकते हैं कि मुझे पर्सनल करेंट अकाउंट ओपन करना है, जिससे आपको काम करने में थोड़ी आसानी मिल सकती है, राहत मिल सकती है। यह अधिनियम 1 सितंबर 2019 से प्रभावी होगा। यह किसी भी व्यक्ति प्राप्तकर्ता पर लागू होगा जो रुपए से अधिक कुल राशि निकालता है, एक बैंक या एक पैन कार्ड के तहत बनाए गए उसके सभी खातों में से किसी एक अन्य संस्था द्वारा पिछले वर्षों में। तो एक पैन कार्ड से कहीं भी अकाउंट हो, किसी भी बैंक में भी हो, तो वो इस सूची में आएगा, इस धारा के अंतर्गत वो आएगा। इसके अलावा लागू कहाँ कहाँ पे होगा ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोस्ट ऑफिस हो, बैंकिंग हो, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो, इंडस्ट्री हो, तो कहीं भी अगर विड्रॉल होते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा तो उसको 2% TDS देना होगा या उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। तो तभी हम जिस फील्ड से हैं, डिजिटल पेमेंट की फील्ड से हैं, तो कई तरह से बातें आ रही है कुछ कुछ कंपनियों की जिसमें लेटर इशू किया जाएगा, उस लेटर को लेके हम जान जाएंगे जिस बैंक में हमारे खाते हैं और मैनेजर को देंगे, तो वहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिलेगा शायद। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक आया है। तो जिन भाई और बंधु का 1 करोड़ हो चुका है वो कंपनी से बात करें और इसका सॉल्यूशन पूछें कि किस तरह से काम किया जाएगा, हम काम कर रहे हैं, हमारा विड्रॉवल ज़्यादा हो गया है। और जिन कंपनी लेटर दे रही है, प्रोवाइड करवा रही हैं, वो बैंक में जाके तुरंत बात करें, इससे आने वाले परेशानियों से आप बच सकते हैं और आने वाले बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच सकते हैं। क्योंकि जब आप काम करते रहते हैं आपको पता नहीं होता, लेकिन जब नोटिस आता है तो आप एकदम घबरा जाते हैं जाने से। तो 2% TDS देना ही होगा। और हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं और जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो वहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानना कि विड्रॉल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको वो लाइबिलिटी आपकी बनेगी। यूएस बैंकिंग हो, यूएस बैंकिंग वालों को भी नोट आ चुका है सर्कुलर कि आप अपना करेंट अकाउंट खुलवाएं और बैंक को लेटर प्रोवाइड करवाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह मैं आपके लिए नए वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।